देखो भाई दिख रहे क्या अभी सच्ची में पूरा बोर्ड दिख रहा है। बस ठीक है, बचत तो ये मुझे चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो भाई। स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एम आर। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? और एक फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर, राइट? ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फॉर टू जी आर। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ कितना है? 11.22 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ चाहिए, राइट? हाँ, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग को चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एस ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट? ये कौन सा वेलोसिटी होता है बाय द वे? ओके, सपोज हमारे पास ये अर्थ, ठीक है, ये है ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट और समथिंग, कुछ तो भी ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे वेलोसिटी दे रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट? और यहाँ पे ये क्या है? आर प्लस एस, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ये भी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रहेगा तो स्मॉल आर लेने का। स्मॉल आर इज इक्वल टू हमेशा होता है रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस हाइट, सही है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसा पूरा राउंड राउंड मार रहा है, तो फिर ये पूरा सर्कमफेरेंस होता है, अपन ने लास्ट टाइम कल किया था शायद, है ना? ये पूरा सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम 2πr, ये है ना, ये वाला आर अपॉन, ये एक पर्टिकुलर चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लेता है? कैपिटल टी, ठीक है। सो कैपिटल टी इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, कैपिटल टी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है। 2 पाई आर अपॉन टी आल्सो 2 पाई आर प्लस एच अपॉन टी। और एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास है, राइट? क्रिटिकल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ कल अपन ने बोला था कि ये कैसे याद रखते हैं आप और इसके बाद एच है, ठीक है। अगर अगर इफ हाइट 35780 किलोमीटर है, ठीक है, हाइट अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ 35780 किलोमीटर है, ठीक है, देन रेडियस ऑफ अर्थ मेरे को पता है 6400 किलोमीटर है, राइट? तो अगर ऐसा है कि हाइट ये है, तो फिर देन ये सैटेलाइट कौन सा है? जियोसिंक्रोनस, ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, इसका मतलब है टी इज इक्वल टू कितना होगा? 24। क्रिटिकल वेलोसिटी इस केस में सिर्फ, ठीक है, कितना होगा? 3.08 ऐसे था ना किलोमीटर पर सेकंड, राइट? ठीक है, अगर ये है तब ये सब है, अदरवाइज नहीं है, राइट? तो इतना सब कुछ याद रखना है, उसके बाद सब करना है। ये अपन पिछले बार लिख चुके हैं ना, राइट? तो अभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जंप मारते हैं। न्यूमेरिकल्स में जंप मारने से पहले मेरे को ये बताओ, सपोज 214 डिवाइड बाय 2 है, आंसर कितना आता है? 107 आता है, ऐसे नहीं होता है 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये गलत होगा। If it is, then 17 2s are 214 होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग है ना ऐसे करते हैं, ये गलत है। 214 divided by 2, 2 1s are 2, फिर ये 0, फिर ये 1 आएगा नीचे, 1 2 के टेबल में नहीं आता, 2 0s are 0, फिर 1 और ये 14 2 7s are 107, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है 4 8 0 2 1 divided by 3 6 0 0, है ना, तो क्या आ रहा दिमाग में, क्या करना चाहिए? पहले कट कर दें, कट नहीं हुआ तो डबल डिजिट रहेगा, या तो पता है ये 3600 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 480 21 upon 36 into 100, ये डिवाइड करने का चुपचाप से, ठीक है, कुछ तो भी आंसर आएगा, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे, समझा? ठीक है, तो ऐसे भी होता है, राइट? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आया तो संभालो, ऐसा मस्ती मत करना बीच में के
राइट। हाँ चलो, सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट? ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ मुझे पता है कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये सब गिवन है। टू फाइंड क्या आएगा, एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट, राइट? ठीक है, ये सब गिवन है, आप लिखोगे, मैं इज्जत से नहीं लिख रहा हूँ, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला है ना। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम और एक फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ टू स्मॉल जी आर। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है? नहीं, मास दिया हुआ मतलब ये फॉर्मूला नहीं लेंगे अपन। हाँ, हाँ, ओके, जैसा दिया है वो फॉर्मूला, तो ये वाला आएगा सॉल्यूशन। अगर एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट क्या रहेगा फिर, यही वाला केस में आप पढ़ो, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, सही है ना? ओके ठीक है, सो यहाँ पे अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, तुमको समझेगा नहीं। देखो मास ऑफ प्लैनेट कितना है, 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, सही है? हाँ। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, सही है? हाँ। ठीक है, ये 2 4 जा राइट, ठीक है। अच्छा आप देखो अर्थ के लिए कुछ बन रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है क्या? हाँ राइट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 तो आगे 2 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ है, राइट? सो 2 इंटू 11.2 कितना होता है, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये एक तरीका इसको करने का, और सेकंड तरीका, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन अपन लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, सही है? इसको देंगे अपन 1। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ, और इसको देंगे अपन 2। फिर अपन बोलेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, सही है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये पूरा स्क्वायर रूट में जाएगा, ये अपन ने पढ़ा था, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, कैसे लिखते हैं, इसका न्यूमरेटर पहले, इसका न्यूमरेटर, और फिर सी जाता है, ये डी जाएगा ऊपर और ये बी आएगा, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ, तो 2gmb इसका न्यूमरेटर लिखा, इसका न्यूमरेटर लिखेंगे 2gme, ये डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर और आरपी आएगा नीचे, ये 2g कट होगा, क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ एमपी, एमपी इज व्हाट, 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज आरपी, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये देखो रेडियस रेडियस कट, एमई एमई कट, मेरे मेरे, फिर 2 1 जा 4 जा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है, 2। So escape velocity of planet upon escape velocity of Earth is equal to 2. Okay, so escape velocity for planet is 2 times escape velocity of Earth. मतलब 2 into 11.2 कितना होता है? 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। समझा? हाँ, ठीक है, करो। Okay, मेरे को लगता है टाइम कम रहेगा तो ये अच्छा है। ये देखो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट लिखने का, ठीक है, और उसके बाद मास ऑफ प्लैनेट की जगह 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ लिखने का, रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ लिखने का, ठीक है, फिर इसको कट करने का, देन 4 का रूट बाहर 2, और ये पूरा कचरा आता है, ये तो नया फॉर्मूला बनता है, तो दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड डायरेक्ट आंसर, ये फाइनल आंसर, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
सेकंड वाले का गिवन बताओ। हाइट इज 35,780 किलोमीटर। वाह मतलब ये दो अपने आप लिख देने का। फिर नेक्स्ट और क्या दिया है? मास ऑफ द बॉडी। इफ मास बिकम्स मतलब न्यू मास, ठीक है, न्यू मास बिकम्स 4 times दैट ऑफ ओल्ड, है ना, ठीक है, अगर नया वाला मास जो है 4 times ओल्ड है, ठीक है, देन क्या पूछ रहा है वो, टू फाइंड क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, है ना, फॉर वन रेवोल्यूशन, मतलब नया वाला ये पूछ रहा है, सही है। अगर मैं इसको केस वन केस टू में पकड़ू, ठीक है, अगर तुमको ऐसा करना है तो मैं ना इसको ऐसे लिखूंगा, हाइट 35780 किलोमीटर, है ना, यहाँ पे भी सेम है, दोनों के लिए सेम हाइट है, सही है, ठीक है। टी यहाँ पे टी इज इक्वल टू 24, यहाँ पे सपोज है टी एन, राइट, ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है वी सी जो के है 3.08, यहाँ पे रहेगा वी एन, नया वाला क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, यहाँ पे अगर मास रहेगा एम तो यहाँ पे क्या रहेगा एम एन, मतलब 4 times एम, समझा क्या? अगर मैं 1 2 में किया, तुम लोग ने गिवन ऐसे 1 2 में लिख रहे हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे भी लिखो, राइट, ठीक है, या तो गिवन ऐसे लिखेंगे, ऐसे जो इजी तुमको पढ़े जो याद रहे, ठीक है, ऐसे लिखो। फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, और एक है 2 pi आर प्लस एच अपॉन टी, दोनों है, है ना, दो फॉर्मूला है, सही है, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, पहले ये वाला ले आओ, ठीक है। तो फॉर केस टू, है ना, केस टू के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम एम एन हो जाएगा ना, एम एन हो जाएगा ना, जी एम एन अपॉन आर प्लस एच। सर सिर्फ यही चेंज हुआ, बाकी क्यों नहीं चेंज हुआ? उसने नहीं दिया है चेंज, है ना, उसने बोला हाइट भी सेम है, राइट, रेडियस सेम है, सब सेम है, प्लेनेट ही सेम है, सिर्फ उसका मास बढ़ा है, समझ रहे, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द न्यू प्लेनेट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी एम एन के जगह पे क्या आएगा, 4 times एम अपॉन आर प्लस एच। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। सो 2 times स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है? सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि न्यू वाला क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 times पुराना वाला क्रिटिकल वेलोसिटी, सही है, इसको दे देंगे 1, ये समझा, इतना था, देख लो, सोच लो भाई, ठीक है। देन ऑल्सो और एक फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, नहीं ये वाला है ना, सो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ न्यू वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 pi आर प्लस एच अपॉन नया वाला पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सही है ना, राइट, ये नया तो ये भी नया, राइट, ठीक है। सो हम लोग को 2 फाइंड में ये चाहिए ना, तो ये लेफ्ट में रखो, टी एन इक्वल टू क्या रहेगा, 2 pi आर प्लस एच अपॉन नया वाला क्रिटिकल वेलोसिटी, सही है, सो 2 pi आर प्लस एच अपॉन बी एन के जगह पे अपन डालेंगे 2 times वेलोसिटी, ये सही है, ओके, अपन लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1, ये 2 और 2 कट होगा, राइट, पाई के जगह पे अपन लिखेंगे 3.14। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। व्हाट इज द हाइट? 35780 किलोमीटर अपॉन व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? 3.08, सब मिला, ऐड करो 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा? 99786। सोच के बोलो, जय माता दी, जय माता दी, प्लस करके बोलो, जय माता दी। ओ सॉरी सॉरी सर, एक अंडा कम इधर, हां अब बता क्या आएगा, 4000
फोर टू वन एट जीरो फोर टू वन एट जीरो वन एट जीरो अपॉन थ्री पॉइंट जीरो एट. ठीक है, अपन डिवाइड जब करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन नहीं करने का, पता है ना. ओके, डिवाइड बाय टू डिजिट है कर सकते हो, डिवाइड बाय डेसिमल है, मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे, है ना. 308 आए, है ना. 308 से कौन को डिवाइड करेगा, अपन नहीं करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टेन में हम लोग को पावर दिया है कि हमें ना ये कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये टी एन है ना, टी एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हाँ ये कर सकते हैं हम. ठीक है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है. 3.14 को क्या मैं 3.1 लिख सकता हूँ. अरे ये पांच से कम है ना, ये पांच से कम है मतलब उसको इज्जत नहीं है ना. ओके, पांच से छोटा उम्र वाला बच्चा कोई पूछता है उसको नहीं ना, बात करता हूँ. 3.1 है वो तो गिनते नहीं है, आप टिकट टिकट भी नहीं लेते, राइट. ठीक है, और ये देखो ये पांच से बड़ा है ना, पांच से बड़ा है तो एक इधर ऐड होता है ना, तो 3.08 को क्या मैं 3.1 लिख सकता हूँ. वाह, क्या तुमको दिख रहा है, कट कर सकते लीगली, राइट. क्या हम लोग ने जो क्रिटिकल वेलोसिटी लिया था सब किलोमीटर पर सेकंड में है ना, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये सेकंड्स में रहेगा, इजंट इट. सेकंड्स को आर में कन्वर्ट करना, tn इज इक्वल टू 42180 सेकंड को अगर डिवाइड बाय 60 किया तो मिनट में होगा, और एक डिवाइड बाय 60 किया तो आर में होगा, राइट. ठीक है, ओके, देन उसके बाद ये 00 कट, राइट. ठीक है, 4218 अपॉन 36, राइट, 360 सही है. अब ये कट कर सकते हो तुम, क्या आएगा बोलो, 6 ही जाएगा, 6 ही जाएगा ना. ओके, क्या आएगा, 6 6 36, 6 7 42, आगे 0, 6 0 0, 6 3 18, अभी बोला तो जीरो कैसे आएगा ना, पब्लिक यहाँ पे 73 लिख के है ना, बहुत बड़ा ये कर देगा, पता है. ठीक है, इधर सब रॉन्ग, इतना तुमने मेहनत किया सब कच रहोगे क्योंकि तुमने यहाँ पे 73 लिख दिया, इधर देखने का. ओके, 6 7 42, फिर 1 आएगा, 1 6 का टेबल में जाते, 6 0 0, फिर 18 होगा, 6 3 18. ठीक है, अब 703 डिवाइड बाय 60 करना है, तो एक्चुअली हम करेंगे 703 डिवाइड बाय 6 और 10 को बाजू में रखेंगे, है ना. ठीक है, करो 703 डिवाइड बाय 6 तो कितना आएगा, 6 1 6 1 0, है ना. फिर आगे 6 1 6, फिर 4, और फिर ये 3 है ना, फिर 6 7 42, और ये 1 बचेगा, अब सब खत्म हो गया, तो 0.0 है ना, इधर 0, फिर 6 1 6, फिर 4 0, 6 6 36, है ना. कितना आता है, 117.16, नीचे अभी भी अपॉन 10 है, तो नीचे अपॉन 10 है, तो ये डेसिमल शिफ्ट होगा, 11.716 आर. और ये सब याद रखो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है, isn't it? है ना, सब इधर इक्वल टू नहीं था ना, अप्रोक्सीमेट था, सब अप्रोक्सीमेट है, सब अप्रोक्सीमेट है, सब अप्रोक्सीमेट है, तो फिर इसको क्या मैं 12 आर लिख सकता हूँ. ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक पूरा टर्न मारने के लिए अगर 24 आवर्स लगता था पहले, अगर मास को मैं 4 times m कर दूं तो एक चक्कर मारने के लिए कितना लगेगा मेरे को, 12 आवर्स लगेगा. क्यों पता है, क्योंकि मास ज्यादा हो गया ना, मास ज्यादा हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये सैटेलाइट को इधर से ये एक्चुअली इधर खींच लेगा, राइट. ठीक है, पंखा बड़ा होता है तो एक टर्न मारने के लिए उसको टाइम लगता है, पंखा छोटा होता है तब तो फास्ट घूमता है ना, छोटे पंखे बहुत तेज घूमते हैं, हम बोलते हैं, राइट. ठीक है, तो जब ये यहाँ पे था उसमें 24 घंटा लग रहा था, नजदीक आ गया, सो 12 आवर्स में टर्न मार रहा है, समझ रहे. ठीक है, तो अगर किसी प्लैनेट का मास बढ़ गया तो अपने सैटेलाइट को खींच लेगा, तो इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्या करेगा. ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पे फंस सकते हैं ये याद रखो, कैसे करने का, टिपिकल क्वेश्चंस है, अगर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आ गए ना, ये ऐसे ही करने हैं, नहीं तो दूसरा तरीका और गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, दूसरा पता है यहाँ पे वो था कि 2 बार मैं लिखू क्रिटिकल क्रिटिकल वेलोसिटी, उनको डिवाइड करूँ, ये आएगा. ठीक है, बट ये फिर लेंथ बढ़ जाएगा. ठीक है, पहले ही बड़ा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा.
ठीक है, तो बेस्ट चीज ये करो, ठीक है, कि क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर न्यू सिचुएशन ये याद रहेगा। हाँ करो, ये हो गया ना बता, लास्ट बाकी है। बरोबर बरोबर, चलो तब तक ये गिवन बोलो, थर्ड वाला ये बच्चे क्या कर रही है, वो पेज नंबर 1 पढ़ी है बच्चा है ना, रुकना अभी अभी खत्म नहीं हुआ वो, ठीक है पिक्चर अभी बाकी है। ये हो गया अभी सबका, ठीक है केस 1 केस 2 है वापस से। हाँ बोलो क्या दिए हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, if the height of satellite completing one revolution around the earth, so period of revolution बोल रहा है ना, so period of revolution है t है ना, ठीक है, कब, जब height है h बराबर t seconds आएगा, t seconds of course, ठीक है t seconds, अगर height है h, ठीक है, अगर हाइट को बोलता है चेंज कर रहा है समथिंग ऐसा कुछ, तो भी ना एच वन नहीं है ना, अगर एच टू करता है, ठीक है मेरे को एच टू का वैल्यू पता करना है, इफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज टू रूट टू इंटू टी, ये समझा क्या बोल रहे हैं, ओके अगर एक सैटेलाइट एक चक्कर लगाने के लिए टी टाइम ले रहा है तो उस समय उसका हाइट है एच वन, बट अगर वो टी वाले टाइम को अपने बढ़ा दिया टू रूट टू इंटू टी कर दिया तो एच टू का वैल्यू फाइंड करो क्या होता है ना, टू फाइंड इज एच टू, एच वन दिया नहीं है, एच वन का कोई नंबर नहीं है, सो एच टू विल बी इन टर्म्स ऑफ एच वन, फॉर एग्जाम्पल योर एज इज हाफ दैट ऑफ माइन, तो मेरा एज दिया नहीं है बट अपन क्या लिखेंगे योर एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टू के, समझ रहे हैं, वैसा वाला हम लोग को चाहिए कि H2 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ H1 वो बताओ, ये याद रहेगा तुमको, ठीक है ओके, सो फॉर्मूला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है भाई जिसमें T आता है, ओके okay? जिसमें T आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू 2 बाय r प्लस h अपॉन t, राइट, ठीक है ओके, सो सॉल्यूशन तो अपन इसमें ना डिवाइड करेंगे इज्जत से, हाँ फॉर केस वन, ठीक है केस वन के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहेगा बताओ, ओके जी एम अपॉन आर प्लस एच वन सही है ना, हाइट वन है इज इक्वल टू टू बाय आर प्लस एच वन अपॉन टी, सही है ना, केस वन के लिए टी है राइट, ठीक है इसको अपन देंगे वन, केस टू के लिए क्या होगा, फॉर केस टू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच टू इक्वल्स टू टू बाय आर प्लस एच टू अपॉन टू रूट टू इनटू टी, या तो टी टू लिखूंगा मैं इधर टी टू मामा, या तो मैं लिखूंगा टू रूट टू, हाँ टू रूट टू है ना, मतलब ये अकेला ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बॉलीवुड में गाना है, ये काली काली आंखें है ना, इसे एकदम ध्यान नहीं दे तुम लोग यार, तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो है ना, कभी ध्यान दिया था क्या, हां नहीं, अकेला ऐसा नंबर है जो गाने में है ना, वो अपार्ट फ्रॉम एक दो तीन है ना, इसको डिवाइड करो, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, ठीक है अभी ये तो डिवाइड करने कुछ मतलब नहीं आता है, ठीक है तो फॉर केस वन होगा फॉर ए केस टू होगा है ना, तो क्या बात है इसको करते डिवाइड, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच टू इक्वल्स टू टू बाय आर प्लस एच वन अपॉन टी अपॉन टू बाय आर प्लस एच टू अपॉन टू रूट टू इनटू टी, सही है ठीक है, फिर वापस से वही ए बाय बी वाला, इसको एक ही स्क्वायर रूट में रखेंगे, इसका न्यूमरेटर दिख रहा है जीएम, इसका न्यूमरेटर दिख रहा है जीएम मल्टीप्लाई बाय
इसका डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर r plus h2, इसका डिनोमिनेटर आएगा नीचे r plus h1, r plus h1, क्योंकि दो डिजिट्स है या बाइनोमियल है, दैट्स व्हाई मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू, यहां पे आएगा 2 by r plus h1, यहां पे 2 by r plus h2 मल्टीप्लाई बाय ठीक है और √2 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 हाँ ये ऐड करते जाओ, ये तो अपना फेवरेट है, हाँ ये वायर कट टी और कट ठीक है, हाँ लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट दिख रहा है, हाँ अपन को मैथ्स में सिखाते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्चुअली स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है, अगर इसको स्क्वायर किया तो ऊपर बचेगा आर प्लस एच टू अपॉन आर प्लस एच वन इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर किया तो ये होगा r plus h1 का स्क्वायर, ये होगा r plus h2 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर 4 और root 2 का स्क्वायर 2, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रॉन्ग होने का चांस, बराबर है ना, सबका स्क्वायर किया ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे r plus h2 दिख रहा है, r plus h2 into इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, x into x square, x cube ना, चेंज हो जाएगा, r plus x cube का अपॉन, ये नीचे आया, r plus h1 का cube, 4 to the, 8, या 8 किसी नंबर का cube है, हाँ ओके, तो मतलब इधर भी क्यूब है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में भी क्यूब है, तो हाँ टेकिंग क्यूब रूट और बोथ साइड, क्यूब रूट और बोथ साइड राइट, ठीक है तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस एक्स टू अपॉन आर प्लस एक्स वन इक्वल्स टू टू, अभी से क्रिस क्रॉस इधर कुछ नहीं, मतलब वन है, वन इनटू ये तो यही सेम, इक्वल टू इनटू ये चाहिए, सो आर प्लस एच टू इक्वल्स टू टू टाइम्स आर प्लस टू टाइम्स एच वन ठीक है, मेरे को एच टू चाहिए राइट, तो इसको सिर्फ इधर रखेंगे बाकी सब उधर डालो, टू आर इधर ही है प्लस टू एच वन इधर ही है, आर जाएगा वो साइड तो माइनस आर प्लस आर 2R minus R, R plus 2H1, that's it. तो height 2 क्या रहेगा? जो भी radius है plus 2 times पुराना वाला height, that's it. एकदम simple है, कुछ complicated नहीं है numerical. Easy है ना? Simple smaller. Lenses.